चौदवा सीजन शुरू हो गया है, 2 हफ्ते बीत चुके हैं। अब सारे प्रतिभागी अपने रंग में आ चुके हैं और घर के अंदर राजनीति शुरू हो चुकी है। वहीं अब ये रियलिटी शो सबके नजर में आने लगा है, क्योंकि जितने की होड़ में प्रतिभागी मसालेदार खुलासे करने लगे हैं। वहीं बीते गुरुवार को बिग बॉस में एक टास्क में एजाज खान ने राहुल वैद्य को बुरी तरह हराया। इस पूरे टास्क में एजाज को एज शेमिंग का शिकार भी होना पड़ा। दरअसल हुआ ये कि टास्क जीतने के बाद एजाज को उनके पर्सनल सामान का एक्सेस दिया गया। एक्सेस के बाद एजाज ने अपने पेट डॉग्स मैक्स और राया का फोटो फ्रेम निकाला। इस फ्रेम में एजाज अपने बेटे मतलब कि अपने पेट डॉग्स के साथ नजर आ रहे थे। एजाज के पास 2 लेबोर्डो और 1 मिक्स ब्रीड रेस्क्यू डॉग अडोर है। ऐसे में एजाज ने अपने डॉग्स के बारे में उस समय की कहानी बताई जब उन्हें 3 साल तक उनसे दूर रहना पड़ा था। बता दें, एजाज ने बताया कि वो जिसके साथ रिलेशनशिप में थे उसने इन पालतू डॉग्स को 3 साल तक एक फैक्ट्री में कैद रखा था। वो इन्हें खाना नहीं देती थी। एजाज ने बताया कि जब मैं 3 साल बाद उनसे मिला तो वो उन्होंने मुझे सूंघकर पहचान लिया और वो रोने लगे। हीना खान ने कहा कि बिग बॉस के घर में निकलने के बाद आप उस लड़की का नाम जानना चाहती हैं, लेकिन एजाज ने कहा ये कहकर मना कर दिया कि उसकी एक बेटी है और वो अब उसका नाम लेना सही नहीं लेगा। बिग बॉस 14 को लेकर वहीं पर बिंदु दारा सिंह ने कर दी भविष्यवाणी। जी हाँ, क्या निक्की तंबोरी बिग बॉस 14 के सीजन की विनर हो सकती है? जब ये सवाल बिग बॉस 3 के विनर बिंदु द्वारा पूछा गया तो उन्होंने बेहद ही चौंकाने वाला जवाब दिया। बातचीत में बिंदु ने कहा कि एजाज खान, रुबीना दिल, पवित्र पुण्य और निक्की तंबोली अंत तक रहेंगे, लेकिन निक्की जीतेगी नहीं। वो घर में एक वैम्प की तरह है। राहुल वैद्य की शायरियां भी काफी लंबे वक्त तक रहने वाली हैं। हालांकि बाकी सभी लोगों को जैस्मीन भसीन को हराना होगा। इतना ही नहीं, इंटरव्यू में बिंदु दारा सिंह ने सिद्धार्थ शुक्ला से सारा गुरपाल के इन्फेक्शन के फैसले को भी सही ठहरा दिया। वहीं आपको बता दें, हर कोई अंदाजा लगा रहा है कि शो की विनर या तो जैस्मीन भसीन या फिर रुबीना दिलैक होगी। वहीं पर आपको बता दें, सिद्धार्थ शुक्ला इन दोनों से ही चिढ़ते हुए नजर आते हैं। अब इसमें देखना ये होगा, क्या ये दोनों सच में, इन दोनों में से एक सच में बिग बॉस 14 की विनर होंगी या नहीं। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़, और मैं हूं आपके साथ साधिका कौर। धन्यवाद।